हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जिसके लिए ना हमें खोया की ज़रूरत है और ना ही चाशनी की। ये सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार होती है और ये इतनी सॉफ्ट होती है। इसके लिए करना क्या है, हमें एक कढ़ाई या पैन लेना है, उसमें 1/2 कप घी डालना है, 1 कप बेसन डालना है और उसे अच्छे से भूनना है। बेसन जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए उसे भूनना है। फिर उसमें 3 टेबलस्पून सूजी ऐड करनी है और उसे भी अच्छी तरह से रोस्ट करना है। सूजी और बेसन अच्छे से भून जाने के बाद हमें उसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करना है। फिर 3/4 कप पिसी हुई चीनी का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल जाने तक हमें इसे पकाना है और फिर एक कंटेनर में घी डालकर अच्छी तरह से फैला लेना है और फिर बनाया हुआ मिश्रण इसमें डालकर किसी स्पैटुला की हेल्प से इसे डैप डैप करना है। अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद हम इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम और पिस्ता डालकर इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम साइड में रख दें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए हम इसमें कट लगाएंगे और पीसेस में से काट लेंगे। कितना आसान था इस बेसन की बर्फी को बनाना। और मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी चाहिए ये भी मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी।